आपके साथ वैशाली और आप देख रहे ठाणे सरकार न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। विधानसभा चुनाव के लिए एक अगले महीने होगा एमवीए में सीटों का बंटवारा। कांग्रेस आला कमान से उद्धव ठाकरे ने की चर्चा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतने के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। इस बीच महाविकास अघाड़ी के नेता सीटों के बंटवारे को लेकर इन दिनों दिल्ली में हैं। इस बीच सूत्रों ने बताया कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अगले महीने तक अंतिम रूप देगा और उम्मीदवारों के चयन का आधार पिछला चुनावी प्रदर्शन नहीं बल्कि जीत की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि एमवीए गठबंधन के लिए सीट बंटवारे का काम अगले महीने की शुरुआत में हो जाएगा। लोकसभा में एमवीए का अच्छा प्रदर्शन। हाल ही के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एमवीए गठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी। उसने जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से उसने 13 सीटें जीती थी। उसके बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना यूबीटी 9 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार रंकापा एसपी 8 रही थी। गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत में अब तेजी आई जब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से मुलाकात की। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान और युवा अवसरवादी भाजपा गठबंधन से परेशान है। महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं।